Hello friends, how are you? Welcome to my new channel Dear Technical Gyan में. तो कल हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किए थे, that was also related to technical topic. तो आज हम लोग और एक technical topic जो है out of specification, आप लोग thumbnail देख के जान गए होंगे कि हम लोग out of specification का कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कशन करेंगे. तो कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए फिर आज का ब्लॉग जो है शुरू करते हैं. तो आज जो है कि हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल मन में जो आते रहेंगे उसको पूछेंगे और देखते हैं कि उसका कुछ जवाब मिलता है कि नहीं. तो सबसे पहले जो है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का दिन में, क्योंकि कोई सा भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे और उसमें एक कोर हार्ड कोर पार्ट जो है वो है इन्वेस्टिगेशन. और अगर इसमें अगर आप आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी क्रिटिकल्स है. और इसको जो है हैंडल करने के लिए टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले जो सवाल मन में आता है वो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर हुआ तो अपना CFR 21-211 में ऐसा कहाँ पे लिखा है कि अगर आपको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाइंडिंग्स हुआ तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड? ये क्वेश्चन सबसे पहले मन में आया. तो इसका आंसर ये है कि एन इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड बाय FDA रेगुलेशंस एज मेंशन इन द सेक्शन 211.192. तो इसमें मेंशन है कि अगर कुछ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाइंडिंग्स हुआ तो इट शुड बी इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटेड. तो नेक्स्ट जो सवाल मन में ये आता है वो है कि OS तो हुआ, तो अगर OS फाइंडिंग्स हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट है क्या कि OS हुआ तो OS को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? तो इसका आंसर ऐसा डेफिनेटली होगा कि OS क्यों हुआ, OS क्यों फाइंडिंग्स हुआ वो जानना सबसे ज़रूरी है. और OS होने का रीज़न क्या है उसको निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. वेदर द OS इज बींग ऑब्जर्व्ड एज एन वैलिड OS और वेदर इट इज़ एन इनवैलिड OS, इट शुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू इन्वेस्टिगेशन. मतलब सिंपली अगर बोलेंगे कि जो भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाइंडिंग्स हुआ है उसका जो ताल्लुकात है उसका ताल्लुकात कुछ एरर के साथ संबंधित है क्या, और कुछ एरर की वजह से वो एड्रेस हुआ क्या सिस्टम में ड्यूरिंग द टेस्टिंग और एनालिसिस? ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाइंडिंग्स हुआ वो कुछ एरर की वजह से तो नहीं हुआ है और प्रोडक्ट का जेन्युइन फेलियर है. तो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए OS इन्वेस्टिगेशन को करना ज़रूरी है. तो अभी नेक्स्ट सवाल जो उठता है डेफिनेटली वो है कि जो OS फाइंडिंग्स हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? हु शुड परफॉर्म द OS इन्वेस्टिगेशन व्हेन एवर इज OS इज ऑब्जर्व्ड? तो सिंपली बोल सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में OS फाइंडिंग्स हुआ वहाँ पे करेंगे. जैसे कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहाँ पे OS फाइंडिंग्स हुआ तो वहाँ पे करेंगे. या फिर मान लीजिए एक सैंपल हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजा है पर्टिकुलर कुछ टेस्ट करने के लिए और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी में OS फाइंडिंग्स हुआ तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वेदर दिस OS इज आइडेंटिफाइड थ्रू देयर एरर और इट वॉज वैलिड एंड से प्रेजेंट इन द से प्रोडक्ट इट्सेल्फ. तो दोनों ही कर सकते हैं. तो आगे एक प्रश्न आता है कि CGMP का ऐसा कौन सा रेगुलेशंस है जो हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये चीज़ बोलता है कि
लेबोरेटरी से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो इसका अगर आंसर हम लोग सोचेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपना CFR 211 है उसका दो पार्ट है, एक है सब पार्ट वन और दूसरा है सब पार्ट जे। सब पार्ट वन जो है वो बोलता है कि लेबोरेटरी कंट्रोल के बारे में, और सब पार्ट जे जो है वो बोलता है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो ये दोनों चीज़ जो है वो लेबोरेटरी ऑपरेशंस के बारे में क्लियरली डिफाइन करता है। आगे का सवाल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा CGMP का सेक्शन है जो ये चीज़ बोलता है कि अगर प्रोडक्ट अगर उसका क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया तो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है और उसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसीड्योर आगे में प्रोसीड करना है, उसको आगे में हम लोग कमर्शियलाइजेशन के लिए या फिर उसको मार्केटिंग के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए हम लोग आगे लेके नहीं जा सकते। ऐसा CGMP का कौन सा धारा है जो ये चीज़ बोलता है कि आपको डिफेक्टेड मटेरियल या फिर आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन हुआ और वो एस्टेब्लिश्ड हुआ तो उसको स्ट्रेट वे रिजेक्ट करना है। तो इसका आंसर ये है कि जो सेक्शन 211.165 और इसका जो सब पार्ट एफ है वहाँ पे ये क्लियरली डिफाइन है कि अगर प्रोडक्ट डिड नॉट मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स देन इट शुड बी रिजेक्टेड अ स्ट्रेट। अभी अगर मान लीजिए मेरा OS फाइंडिंग्स हुआ तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है और उसका लिए सपोर्टिंग जो है MHRA का गाइडलाइन है और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना SOP तो रहेंगे ही। मगर अगर आउट ऑफ द ट्रेंड फाइंडिंग हुआ, OOT फाइंडिंग हुआ, तो OOT की केस में आपको क्या करना है? तो क्या बोलते हैं आप लोग, OOT के अगर होगा तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर ऐसा है कि OOT का इन्वेस्टिगेशन भी सिमिलर इन्वेस्टिगेशन होगा जो OS का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्योर होगा। मतलब दोनों का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्योर में कोई अंतर नहीं है, टेक्निक्स दोनों के लिए सेम इम्प्लाई होगा और सेम वे में हम लोग इसका रूट कॉज फाइंडिंग करेंगे और उसके अगेंस्ट पे हम लोग फाइनल कॉन्क्लूसिव डिसीजन लेंगे। अभी मेरा मन में एक इम्पोर्टेंट सवाल आया। सवाल ये है कि अगर एक बैच को स्ट्रेट वे में रिजेक्शन ही कर देंगे तो क्या उसका OS इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है? क्योंकि बैच तो हम लोग फेंक ही देंगे, कॉमर्शियलाइज तो करेंगे ही नहीं, मार्केट में भेजेंगे ही नहीं उसको, तो बैच को अगर फेंक ही देंगे तो क्या ज़रूरत है OS का इन्वेस्टिगेशन करना? क्या लगता है आप लोगों को, OS का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि भले ही आपका बैच रिजेक्शन हो, आप उसको स्ट्रेट वे में रिजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट आपको OS आने का कारण जो है वो आपको फाइंडिंग करना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट वेदर द OS इज वैलिड और इनवैलिड। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप कोई भी बैच को रिजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अगर एक बैच अगर रिजेक्शन होता है और OS वैलिड फाइंडिंग्स होता है तो आपको उसका एडिक्वेटली इम्पैक्ट इवेल्यूएशन भी करना पड़ेगा। उसका प्रीवियसली एनालाइज्ड बैचेस, जो भी मैन्युफैक्चर्ड बैचेस है वो सारा बैच को भी आपको कटघरे में डालना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट इवेल्यूएशन भी करना पड़ेगा कि उसमें ऐसा कुछ था क्या जिसकी वजह से वो बैच भी हो सकता है कि रिकॉल होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट और थॉरली करना पड़ेगा। अभी और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मन में आ गया। सवाल ऐसा है कि CGMP जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन में, उस धारे में ऐसा कौन सा सेक्शन या सब सेक्शन है जहाँ पे ये चीज़ बोलता है कि OS फाइंडिंग्स हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसका प्रॉपरली एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है,
इंक्लूडिंग द कंक्लूशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज इसका जो है कि एडिक्वेट ऐसे फॉलोअप। तो ऐसा कौन सा धारा है जहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि ये सारे चीज़ें आपको करना जरूरी है? तो इसका आंसर ऐसा है कि जो सेक्शन है 211.192 वहाँ पे क्लियरली इसे मेंशन किया गया है कि अगर ओएस फाइंडिंग्स होगा तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अभी और एक क्वेश्चन मन में आया, क्वेश्चन है कि हाउ डू आई इसे परफॉर्म अ वेरी इसे मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन। तो अगर मुझे एक इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो मीनिंगफुल मैं कैसे बनाऊँ, मतलब उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा? तो इसका आंसर ऐसा है कि मीनिंगफुल ओएस इन्वेस्टिगेशन शुड बी थॉरो, ऑफ कोर्स इट शुड बी थॉरो, क्योंकि आपको थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट शुड बी अनबायस्ड, आपको बायस होके इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो नहीं होगा, पहले से ही सोच लेंगे अरे ऐसे ही कुछ हुआ था, नहीं ऐसा नहीं, आपको अनबायस्ड होके आपको किसी की पक्षपात करके आप इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो आपको अनबायस होके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और आपको टाइमली करना पड़ेगा, इट शुड बी से डेफिनेटली टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, आपको इमीडिएट बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लू जो है, सुराग जो है हाथ से निकल ना जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे इट शुड बी वेल से डॉक्यूमेंटेड, एंड आप जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉजिक्स या हाइपोथेसिस करेंगे या फिर जो भी स्टेप्स लेंगे इट शुड बी साइंटिफिकली साउंड, आपका साइंटिफिकली साउंड जो है इन्वेस्टिगेशन का से प्लान होना जरूरी है। अभी का जो सवाल मेरा मन में आया वो एनालिस्ट लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना भी अपना एनालिस्ट भाई है कृपया सुन ले कि मेरा जो टेस्ट सॉल्यूशन है तो एनालिस्ट वो टेस्ट सॉल्यूशन को कब डिस्कार्ड कर सकता है। मतलब जो भी इनिशियल सैंपल सॉल्यूशंस बना हुआ है वो इनिशियल सैंपल सॉल्यूशन को फेंकने के लिए या फिर डिस्कार्ड करने के लिए वो कब एलिजिबल है? तो इसका आंसर ऐसा है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी इनिशियल सैंपल बना है वो प्रिपरेशन में कोई एनालिस्ट ने एरर नहीं किया है, उसके लिए उसको इमीडिएट बेसिस पे रीमेजरमेंट स्टडी जैसे कि री इंजेक्शन, रीफिल, रीडाइल्यूशन, रीफिल्ट्रेशन, रीसोनिकेशन इत्यादि इत्यादि टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसका भी लॉजिक्स है। वो सारा चीज़ करने के बाद अगर इनिशियल फाइंडिंग्स और रीमेजरमेंट फाइंडिंग्स सिमिलर हुआ और अगर लगता है कि इन बिटवीन कोई हाइपोथेसिस करना चाहिए इनिशियल सॉल्यूशन से तो वो हाइपोथेसिस भी एग्जीक्यूट करना चाहिए विथ साइंटिफिक रीजनिंग, ताकि उससे भी कुछ क्लू निकल के आए कि इनिशियल जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर हुआ है वो सॉल्यूशंस में कुछ एरर फाइंडिंग्स होता है क्या। अगर ऐसा कुछ फाइंडिंग्स नहीं होता है और अगर आपको रीमेजरमेंट स्टडी में इनिशियल रिजल्ट्स और रीमेजरमेंट रिजल्ट्स सिमिलर फाइंडिंग्स हुआ, देन एंड देन ओनली जो है इनिशियल सॉल्यूशंस कैन बी डिस्कार्डेड। अभी अगले जो दो सवाल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। फर्स्ट है कि हु इज़ प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि लेबोरेटरी में जो भी टेस्ट रिजल्ट्स निकल के आया है या फाइंडिंग्स हुआ है वो टेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेट है वो कौन इंश्योर करेगा? तो इसका आंसर जो है ऑफकोर्स एनालिस्ट ही करेगा, एनालिस्ट विल इंश्योर दैट द इनिशियल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इज अ ट्रू रिजल्ट। सेकेंड जो सवाल है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट कोर्स एक्शन, कि सबसे पहले
जो प्रतिक्रिया है या एक्शन जो है वो कौन करेगा, वो एस हुआ तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किसकी तरफ से आएगा, कौन वहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले पहले ही हम लोग लास्ट टाइम भी पढ़े थे कि क्यूसी इज अ रिएक्शन टूल, क्योंकि क्यूसी को रिएक्ट करना है तो क्यूसी में कौन करेगा, क्योंकि टेस्टिंग जो है एनालिस्ट ने परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एनालिस्ट का ही है। एनालिस्ट सबसे पहले वो एस फाइंडिंग्स हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिएक्ट करके एक्सकेलेट करेगा टू द सेक्शन हेड एज वेल एज क्यू ए टीम एंड हिज हेड क्यू सी। तो उसको आगे एक्सकेलेट करेगा ये और इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के लिए करेगा, इनिशिएट करेगा क्योंकि जो है फर्स्ट एक्शन जो है वो एनालिस्ट का ही है। अच्छा, एनालिस्ट को क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है जब वो कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे उसका नॉलेज में क्या क्या चीज़ रहना जरूरी है, ये भी मेरा मन में आया सवाल, तो इसका चलिए आंसर ढूंढते हैं। तो एनालिस्ट जो है उसको सारा जानकारी होना जरूरी है जिसकी वजह से एक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ टेस्ट वो स्कैन होकर, क्योंकि अगर उसको मालूम नहीं होगा कि जो भी क्रिटिकल स्टेप्स है, क्रिटिकल स्टेप्स के बारे में उसको जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल फिल्ट्रेशन, सैंपल सोनिकेशन, सैंपल डाइल्यूशन और ये सारा चीज़ में आपको क्रिटिकल स्टेप्स क्या क्या है और उसके अगेंस्ट पे कौन कौन सा स्टेप्स आप एडिक्वेटली टेम्परेचर मेंटेनिंग, मान लीजिए सोनिकेशन में बोला है कि सोनिकेशन का टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए कि नॉट मोर देन 20 डिग्री करना है और उसने चीलर को ऑन नहीं किया जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ गया है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्रिटिकल स्टेप्स है जिसकी वजह से मेरा ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन में एरर हो सकता है जिसकी वजह से। अभी एक सवाल मेरा मन में आया, तो ये सवाल है कि व्हिच सेक्शन ऑफ द सीजीएमपी रेगुलेशंस रिक्वायर दैट द एनालिस्ट शुड एंश्योर दैट ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स इज बीइंग यूज्ड व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड टू फॉलो द स्पेसिफिकेशंस आर टू बी यूज्ड। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए वही वाला इंस्ट्रूमेंट जो है टेस्टिंग के लिए यूज हुआ है, ये कौन सा सेक्शन में, सीजीएमपी का कौन सा सेक्शन में ये चीज़ लिखा है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके ही उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज होना चाहिए। तो अपना जो है 211.160 पैराग्राफ बी पॉइंट नंबर 4 वहाँ पे ये मेंशन है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स यूज होगा इट शुड मीट द एस्टेब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग।